अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने लास्ट ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो मैंने पोस्ट किया था वो आपने देखा होगा, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए था। मैंने आपसे कहा था कि मैं एडवांस फीचर्स के बारे में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो उसी की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है मेल मर्ज। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर्स में काम करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके साथ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बैकएंड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम डिज़ाइन सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे और बैकएंड के तौर पे एज अ डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर, हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने उसी तरह से एक ब्लैंक पेज ओपन करना है और इस तरह से हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। अच्छा, अगर आप इस विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आपको वो बिगनर्स की वीडियो जरूर देखनी चाहिए, अगर किसी ने नहीं देखी। और अगर आपको पता है तो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें मेल मर्ज फीचर के लिए सबसे पहले सैंपल डाटा चाहिए होगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मेल मर्ज फीचर इस्तेमाल क्यों करते हैं। आमतौर पर जब आप एक रिपोर्ट या एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करें और मल्टीपल नेम से प्रिंट निकालना चाह रहे हो, जैसे आपने ऑफिस में एक सर्कुलर सेंड करना है, आपने अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को एक सर्कुलर सेंड करना है, आप एक डिजाइन करेंगे और यहाँ पर नेम की जगह जब आप मेल मर्ज फीचर इसको असाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल 100 सर्कुलर्स निकाल रहे हैं तो वो प्रिंट होंगे वो डिफरेंट नेम्स। जैसे आप स्कूल का रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं, वहां पे एक रिजल्ट कार्ड आप डिजाइन करेंगे और नेम मार्क्स की जगह पर आप अगर इस फीचर को यूज करेंगे तो सिंगल डिजाइन के जरिए आप चाहे थाउजेंड्स ऑफ प्रिंट्स निकाल सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स का अपने नेम अपने नंबर्स के साथ आप डेटा सामने डिस्प्ले कर सकेंगे, हमें डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी हर किसी के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सैंपल के तौर पर मैं इसमें कुछ फील्ड्स लूंगा, जैसे मैं इसमें कुछ ले लेता, रोल नंबर ले लेते हैं कि हम सबसे पहले रोल नंबर लिख लिया हमने, उसके बाद नेक्स्ट हम नेम और थर्ड वाली ऑप्शन हम क्लास ले लेते हैं। वैसे तो हम जितनी मर्जी ऑप्शंस ले सकते हैं कि जितनी हमारे यहाँ पे, क्योंकि सैंपल आपको एक बता रहा हूँ तो उसके लिए ये मिनिमम सी है। असल में ये सीरीज जब मेरी वीडियोस की खत्म होगी तो उसके बाद मैं वर्कशीट स्टार्ट करूंगा, उसमें हर फीचर से रिलेटेड जो वर्कशीट है उसमें कंप्लीट आपको डिजाइनिंग बताई जाएगी कि किस तरह से आपने बनानी है। अभी फिलहाल हम ये सीखेंगे कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तीन आपने यहाँ पर नेम्स लिख ली हैं, तीन फील्ड्स ले ली हैं। इसको आप फॉर्मेट करना चाहें तो आप फॉर्मेट थोड़ा सा कर सकते हैं, ताकि थोड़ा डिस्प्ले, जैसे फॉन्ट्स चेंज कर लिया हमने, थोड़ा सा साइज इसका चेंज कर लिया। अच्छा, अब ये तीन हमने नेम्स ले ली हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक ही डिज़ाइन बनाएं और इसके हम जितने प्रिंट्स चाह रहे हैं उतने निकालें और हर प्रिंट में डिफरेंट नेम हो। आप स्टूडेंट आईडी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, आप रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ऑफिस में कोई सर्कुलर डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई नोटिस के लिए, मतलब वट एवर द पर्पस, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। और सिर्फ आपने मेल मर्ज के कनेक्ट करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा चेंज होगा। अभी हम करेंगे, आप उसके लिए देखेंगे। अच्छा, ये हमने अब लिख लिया है, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से इसका डिस्प्ले आ जाएगा। इसके डिटेल वीडियो भी आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ बैकएंड के तौर पे इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें हमने ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि मैं इसको कहाँ सेव करूँ। यहाँ पर आप पाथ दे दें तो हम डेस्कटॉप पे पाथ दे देते हैं। डेटाबेस वन नेम्स अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं, फिलहाल हम इसी नेम के जरिए यूज़ करेंगे। आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पाथ और आप इसको क्रिएट कर देंगे। अब आप इसके ऑटोमेटिकली वैसे ओपन करेंगे तो टेबल के सामने ओपन है, इसलिए हमें मजीद कोई सेटिंग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम एक्सेस को नहीं सीख रहे तो इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। यहां से आप डिजाइन व्यू सिलेक्ट कर लें, ठीक
टेबल का नेम पूछा जा रहा है, आप अगर उसको सेव करना चाहें तो आप टेबल नेम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के नेम से इस टेबल को सेव कर लेता हूं। अब अगर आप इसको क्लिक करें, अब फिलहाल इसको मिटा दें जो भी लिखा हुआ है, हमें इससे कंसर्न नहीं है अभी। अभी हमने एक सिंपल सा टेबल बनाना है, उसके लिए मैंने कौन कौन सी मुझे फील्ड्स चाहिए वो मैं यहां से यूज देखूंगा। मुझे रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए एंड क्लास। तो सबसे पहले यहां पे मैं रोल नंबर लिखूंगा। सबसे पहले आपने रोल नंबर लिख लिया और उसके लिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है। हम नंबर लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने नेम एंटर करना है, तो उसके लिए मैं, जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल है तो मैं एस अंडरस्कोर नेम सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये नेमिंग किस तरह से की जाती है वो खैर हम बाद में सीखेंगे जब हम एक्सेस की डिटेल वीडियो सीखेंगे। और फिर थर्ड वन क्या था, थर्ड वन क्लास। अच्छा, अब ये तीन फील्ड्स थी जो कि मैंने वहां पर वर्ड में यूज की हैं वो मैंने यहां पर लिख ली। अब मैं इनको मतलब सेव करेंगे, या पहले डेटा एंटर कर लेते हैं। डेटा एंटर करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लिया कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर फॉर रोल नंबर में 1 कोई भी आपने रेंडमली डेटा एंटर करना है। इस तरह से आप डेटा एंटर करते जाएंगे और जितने आप चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहे वो यहाँ पे आप, अभी फिलहाल हम सिर्फ सैंपल ले रहे हैं तो हम 4 to 5 रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं ताकि हम इजीली वहां पर डिस्प्ले कर सकेंगे। अभी हमने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पर एंटर कर लिया, तो क्या करेंगे उसके बाद, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बंद कर दें। अब हमने उसको डाटा जो हमें चाहिए था वो हमने सेव कर लिया। अब इसको हमने कनेक्ट करना है उसके साथ, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे मेलिंग फीचर को, जो कि आपको ये टैब अवेलेबल है। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे स्टार्ट मेल मर्ज। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेहतर यह है कि हम विजिट स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बिगनर्स के लिए है, अभी हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो इसलिए बेस्ट है कि हम ये विजिट के थ्रू करेंगे। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि राइट साइड पे विजिट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लेटर सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने डॉक्यूमेंट कौन सा यूज करना है। हम जो करंट डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं इसी को यूज करेंगे तो इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप मेल मर्ज के लिए लिस्ट कौन सी यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्राउज करेंगे। जो हमने अभी अभी एक फाइल क्रिएट की थी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने भी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे हमने ये फाइल सेव की है, इसे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ये तमाम जो हमारा डाटा है वो शो करेगा, आप इसे ओके प्रेस करेंगे और फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपने बाकी कुछ नहीं करना, आपने उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट कर देना है और इसको विजिट को खत्म कर देना है। मतलब विजिट हमारा ये फिनिश हो गया, ये आपने उसको मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमें बता दिया कि मेल मर्ज इज रेडी टू प्रोड्यूस योर लेटर्स। अब आप इसको यहां से क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, यहां पर हमने फील्ड्स ऐड करनी है क्योंकि वहां पर हमने आप देखा कि 5 to 7 हमने रिकॉर्ड्स एंटर की है, सैंपल डाटा आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड, क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर। अब देखेंगे रोल नंबर 1 शो हो गया। फिर उसके बाद नेम में आएंगे, नेम क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम एस नेम सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्लास की जगह हम दोबारा से वहां जाएंगे, मतलब मैंने तो ये सिर्फ 3 फील्ड्स ली हैं, ये 30 फील्ड्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि हमने डाटा या फॉर्म में हमें कितनी फील्ड्स चाहिए और कितना रिक्वायर्ड। जैसे अगर आप रिजल्ट कार्ड बनाएंगे तो वहां पे फील्ड्स काफी ज्यादा होंगी, तो हम उस हिसाब से, अभी हमने 3 फील्ड्स ली थी तो ये हमारा, अब देखें
अगर हम अलाइनमेंट वगैरह चाह रहे हैं वो हम वर्ड में सिर्फ सेम उसी तरह कर सकते हैं कि जिस तरह रूटीन में करते हैं, वर्ड में काम करते हैं मेल मर्ज में। अब अगर ये रिजल्ट डाटा आप नहीं देखना चाह रहे तो ये प्रीव्यू रिजल्ट का बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे ये ऑफ हो गया, आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट शो होगा। अब ये आप देख रहे हैं जो हमने तमाम डेटा एंटर किए थे, आप यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं या अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये हमने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि अब जब हम यहाँ से प्रिंट निकालेंगे तो ये सेवन डिफरेंट प्रिंट्स निकलेंगे विद सेवन डिफरेंट नेम्स। अब ये फिनिश की ऑप्शन है कि हमने वर्किंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट टास्क होता है कि इसको हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो आप इसको अगर प्रिंट डॉक्यूमेंट करें तो ये आपसे पूछेगा कि आप कितने रिकॉर्ड्स को, हम कहते हैं ऑल। अब यहां पे हम पीडीएफ में फाइल सेव कर रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रिंटर से भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम पीडीएफ में इस फाइल को सेव करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और यहां पे हम सैंपल के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव कर देंगे, आप सेव क्लिक करें तो ये फाइल हमारी अब जनरेट हो रही है। अब आप वर्ड को मिनिमाइज करें और आप ये चेक कर सकते हैं ये हमारी सैंपल फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट जनरेट हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पेज सेकंड पेज, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा डाटा एंटर नहीं किया, अगर आपने कंप्लीट कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट डिजाइन की होती तो इस तरह ये सेवन पेजेस के ऊपर आपको सेवन डिफरेंट नेम्स के साथ ये मिलती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हाउ टू यूज मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।